मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके एक घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही उसको, कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे सारे, मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो, जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू।